अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल बेलेगम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब शानी कहता है एनी से कि तुम मुझे नंबर दो उस रमशा का, मैं सब कुछ खुद ही कर लूँगा। ये बात सुनकर कहती है एनी के आखिर आप रमशा के पीछे ऐसे पागल क्यों हो रही हैं, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है। ये बात सुनकर शानी कहते हैं कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे बात करती हो और वो तुम लोगों से मिलने के लिए भी आती है लेकिन तुम लोग हमें नहीं बताते हो, तुम मुझे बताओ आखिर हकीकत क्या है। ये बात सुनकर एनी कहती कैसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ना ही उससे बात करती हूँ और बल्कि इतने अरसों हो गया मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, बात तक नहीं की, फ़ोन तक नहीं आया उसका, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उसका मोबाइल वो तो इधर ही रह गया था ना। ये बात सुनकर अब कहते हैं शानी के देखो अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये बात सुनकर कहती है अब एनी के जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। अगली ही किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब तबस्सुम कहती है अब रमशा से कह कि आप यहाँ से चली जाएंगी, आप ही तो हैं जो मुझसे बातें कर लेती हैं, जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो मेरे पास आखिर कौन होगा। ये बात सुनकर कहती है रमशा के नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये बात सुनकर तबस्सुम कहती है कि बस आप यहीं पर ही रह लें और हम सब लोग बहुत खुश हैं आपके यहाँ पर रहने से, ये चंद दिनों के लड़ाई झगड़े हैं ये तो सुलझ जाएंगे लेकिन आप यहाँ पर हैं, मैं देख रही हूँ आपके घर वालों के कि वो किस कदर गुस्से वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पर जाकर खुश भी रहेंगे। ये बात सुनकर रमशे कहते हैं कि इसलिए तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से वो लोग मुझे सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे, अपनी मर्ज़ी थोपेंगे मुझ पर और ज़बरदस्ती मेरी शादी भी कर देंगे, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रही। कासिम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं मेरा, तो भला मुझे क्या ज़रूरत है उन्हें छोड़कर जाने की। ये बात सुनकर रमशा के बारे में कहती है तबस्सुम के आपने बहुत अच्छा फैसले किया यहाँ पर रहने का, सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।